दोस्तों, इस एरिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है, इसलिए यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन का नाम नेताजी भवन रखा गया है। यह आप देख पा रहे होंगे, यह मेट्रो स्टेशन है, इसमें नेताजी का चित्र भी बनाया गया है और इसका नाम है नेताजी भवन। ये देख पा रहे होंगे आप, मेट्रो की दीवार पर कितना सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया है। ये सब स्वतंत्रता सेनानी के चित्र हैं। और रोड के उस पार में भी मेट्रो स्टेशन है, उसमें भी इसी तरह से बनाया गया है। नेताजी भवन को नेताजी म्यूजियम भी कहते हैं, क्योंकि अभी वह नेताजी भवन नहीं रहा, अभी उसको म्यूजियम बना दिया गया है। तो अब मैं इस रोड से सीधा चलता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम चलता हूं और वहां का एक एक दृश्य दिखाऊंगा। ये गाजा पार्क आ गया हूं। उस म्यूजियम में नेताजी के कौन कौन से चीज रखे हुए हैं और वह नेताजी के किस प्रकार का घर था, सारी बात बताऊंगा। साथ ही नेताजी भवन का पूरा एड्रेस और नेताजी के बारे में हिस्ट्री भी बताऊंगा। साथ ही उस म्यूजियम में नेताजी के एक अद्भुत चीज रखी हुई है। वो अद्भुत चीज है नेताजी की गाड़ी, जिस गाड़ी से नेताजी अंग्रेज को चकमा देकर भागे थे, वो गाड़ी अभी तक सुरक्षित रखी हुई है। यह एल्गिन रोड है, इस चौक से राइट टर्न लेता हूँ तो उस गाड़ी का भी दृश्य दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेताजी म्यूजियम का एड्रेस है लाला लाजपत राय सराहने, एल्गिन भवानीपुर, कोलकाता 20। तो अब नेताजी भवन पहुँचने ही वाला हूँ। यह शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल है, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे में ही नेताजी म्यूजियम है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत देश आज़ाद करने में कितना बड़ा योगदान रहा है। वो अगर नहीं होते तो शायद ही देश आज़ाद हो पाता। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था और उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। कोलकाता में जहां अभी नेताजी म्यूजियम है, वो म्यूजियम पहले नेताजी के पैतृक संपत्ति हुआ करता था और उस पैतृक संपत्ति को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने 23 जनवरी 1947 को राष्ट्र में दान कर दिया। तो दोस्तों, अब नेताजी म्यूजियम बहुत ही जल्द पहुँचने वाला हूँ और उसके अंदर जाकर दिखाऊंगा और नेताजी के वो गाड़ी भी दिखाऊंगा, जिस गाड़ी से नेताजी ने आज़ादी के बाद अंग्रेज को चकमा देकर भागे थे, वो गाड़ी अभी तक रखी हुई है। यह राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर का विंडोज और डोर लगे हुए हैं, यही नेताजी भवन है। इसके सामने में यह बिल्डिंग है, कोर्ट यार्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, नेताजी संग्रहालय पहुंच चुका हूं, जिसे इंग्लिश में म्यूजियम कहते हैं। पीछे देख पा रहे होंगे आप, यही मेन गेट है। तो अब इसके अंदर घुसता हूं और एक एक दृश्य दिखाता हूं, एक एक तस्वीर दिखाता हूं। आज यह म्यूजियम पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन जितना तक खुला हुआ है उतना तक हम वीडियोग्राफी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वीडियोग्राफी लेने का परमिशन नहीं है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा 1961 में नेताजी के भतीजा डॉक्टर शिशिर कुमार बोस के नेतृत्व में इस म्यूजियम का स्थापना किया गया। इसमें बहुत सारे फोटोज, वीडियोज और बहुत सारे बुक्स हैं। इसमें देश विदेश से लोग आकर रिसर्च करते हैं और इसमें 23 जनवरी और 15 अगस्त के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए, अब गेट के अंदर चलता हूँ और आपको एक एक दृश्य दिखाता हूँ। यही वो नेताजी के गाड़ी है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।